नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के बारे में। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके थे, भारत का आकार देख चुके थे और स्थिति देख चुके थे। आज बात करेंगे हम लोग चैप्टर 2 के बारे में, भारत का भौतिक स्वरूप। बने रहिए, अच्छे से ध्यान रखकर सुनिए। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं रहेगा जो आपको ना समझ में आए, बस आपको धैर्य रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपका पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। देखिए इस मानचित्र को, ये आपका पामीर ग्रंथि, कुनलून श्रेणी और हिंदू कुश, ठीक है? ये आपके सुलेमान श्रेणी है। क्या है? सुलेमान श्रेणी है पाकिस्तान में। यहाँ आपकी सिंधु घाट, सिंधु नदी हो गई, ये सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी, सतलज, ये आपका कच्छ कारण हो गया, ये आपकी चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं ये चंबल और यमुना, ये घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यानी कि चीन में क्या बोलते हैं? सांगपु नदी। ये आपकी मिजो श्रेणी है, मिजोरम के पास नागा श्रेणी हो गया, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में, नामचावरवा पर्वत है ये, ठीक है? बुमला, कंचनजंगा, एवरेस्ट। क्या है? भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है? और भारत की अगर बात करें तो K2, ठीक है, याद रखना। एवरेस्ट सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। ये आपकी मानसोबर झील हो गई, यहाँ गुल्लाम धाता, कैलाश श्रेणी हो गई, बारालाचा, सिक्किला, ये आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपकी हो गई जोजिला, नंगा पर्वत यही है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी हो गई। इन्हें आप लोग क्रम से याद रखिए, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है? इस तरह से ये आपकी अन्नापूर्णा है, धौलागिरी है, मकालू, आपकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। तो याद रखना सबसे ऊंची विश्व में कौन सी है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये आपकी नेपाल में है, ठीक है? कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, और K2 आपकी PUK वाले हिस्से में है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर आपका भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। क्या है आपका? ये आपका कोरोमंडल तट हो गया, ये आपका मालाबार तट हो गया, गिर सैणी, सुलेमान सैणी देखी ली थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
ये हिमालय हो गया, देखिए ये शिवालिक पहाड़ियां हैं आपकी, जैसे छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी सरकार, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, भारतीय महामरुस्थल, राजस्थान वाला क्षेत्र आपका क्या है, महामरुस्थल, ये आपका उत्तरी मैदान हो गया, देखिए ठीक है, छत्तीसगढ़, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर, महेंद्रगिरी, ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग हिमालय के बारे में बात करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युगा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से जब पूर्व की तरफ जाती है तो इसकी चौड़ाई घटती जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के कारण साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। कौन कौन से हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, देखिए यह आपका यहाँ सिंधु नदी से लेकर यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर हिमालय। इसमें आपका यह शिखर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, ये आपका नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, याद रखना। कंचनजुंगा ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू ये आपकी नेपाल में है, 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर। नंगा पर्वत आपका भारत में है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई। कामेट ये भी आपका भारत में ही है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नामचा बरुआ ये भी आपका भारत में है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरुला मंधाता ये आपका नेपाल में है, 7728 मीटर। यानी कि जो भी सबसे ऊंची हमारी चोटियां हैं वो हमारी नेपाल और भारत में ही हैं, यानी कि हिमालय पर ही हैं। महान हिमालय के बले वाले की प्रकृति आस समित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी,
जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे आपका देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत देख लीजिए, घूमने का तो पता नहीं, यहीं से देख लीजिए, पता नहीं घूमने के लिए पहुंच पाओगे या नहीं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो आपका हिमालय का भाग सतलुज और सिंधु के बीच है, नदी के बीच, उसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊ हिमालय। काली नदी तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का, और तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों जिनमें आपकी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा के नाम से बना है। यह जो मैदान है उत्तरी मैदान, यह आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़कों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 कितना 240 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह आपका उत्तरी मैदान। ये तो आप भी जानते हैं कि जहां आपके लिए सभी सुविधाएं हुई, इंसान वहीं तो बसेगा जहां पानी की व्यवस्था हो, उपजाऊ जमीन हो, जलवायु समकालीन हो, उसके मतलब रहने योग्य हो, तो इंसान वहीं सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। इन धाराओं को क्या कहते हैं? वितरिकाएं। दुआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग दुआब कहलाता है। दुआब आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज पांच, आब का अर्थ है पानी। ठीक। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उप वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी भाग
मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज, हिमालय से निकलती। मैदान के इस भाग में द्वाबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। जो गंगा का मैदान है आपका, इसका विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है। या उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र के मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। आपके उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे क्या कहते हैं? भावर के नाम से जाना जाता है। भावर उपदेश कहते हैं। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसे तराई कहा जाता है, यानी कि तराई क्षेत्र। भावर को आप इस तरह से ले सकते हैं। आप लोग कई जगह देखा होगा आपने कि कभी कभी नदियां वहां विलुप्त हो जाती हैं, पत्थरों कंकड़ों के नीचे छुप जाती हैं। उसके आगे कई किलोमीटर दूर या कई दूरी छोड़कर, थोड़ा दूरी छोड़कर वहां उत्पन्न हो जाती हैं पुनः भी। ठीक है, तो जहां उत्पन्न होती हैं उसे तराई कह सकते हैं आप लोग, और जहां ये विलुप्त होती हैं उसे भावर कहते हैं। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भांगर भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल है आपकी सिंध, बैतवा तथा कैन जो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह बहती है। जैसे नदियां आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में ये संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अब वह छोटा नागपुर का पठार दर्शाया गया जाता है।
दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़ी आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व भी विस्तार है। ये सभी मध्य प्रदेश में है। महादेव के भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में, ठीक है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, विसतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग एक बार इसकी मैप में स्थिति देख लेंगे इन सबकी, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, जो आपका पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नील नदी नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिम में काट में परवर्ती वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में परवर्ती वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आग दबा की टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर हैं, इस भाग की सबसे ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, अनाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा ये आपकी 2633 मीटर, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछ लेता है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरान तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। उड़ग मंडलम क्या है, उड़ग मंडलम जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है तथा कोड इकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कर देते हैं। देखेंगे अभी रुकी है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन टैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नि हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई। फिर आपका मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, राजस्थान वाला क्षेत्र। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आपकी बरकान यानी कि अर्ध चंद्राकार बालू का टीला क्या कहलाता है आपका, बरकान। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है यहाँ, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। देखिए भारतीय मरुस्थल देख लीजिए।
फिर बात करते हैं तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के तीन भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी कि मुंबई से गोवा तक, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी मैदान में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बड़ी नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है या फिर तटीय मैदान। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। याद रखिए, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यह आपकी भारत की सबसे खारे पानी की, बड़े खारे पानी की झील है। फिर बात करते हैं द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? एक द्वीप है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति हम लोगों ने देखी थी, फिर से देख लेंगे एक बार। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग देख लें पहले। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 के पहले इन्हें क्या बोलते थे? लाकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप। यहाँ 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है आपका। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। यहाँ द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहु तथा बिखरे हुए। यहाँ द्वीप बहुत समूह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में से निकोबार कहते हैं। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निपज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप बृहस्पति के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु बृहस्पतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और विदेश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिज के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ध्यान। अब एक बार हम लोग मैप्स को फिर से देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक अंदाजा बना रहेगा। देखिए, ये है आपका अंडमान और निकोबार, ये समुद्री अंडमान है। ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी महेंद्रगिरी, यहाँ उत्तरी सरकार है इसी, इसे आपका कुरुमंडल तट कहते हैं। ये आपकी अनाई मुड़ी है, देखिए, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ये आपकी है पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक, तो यहाँ मालाबार तट है, इसके बाद ये आपका कोंकण तट है, ये आपकी मरुस्थल है यहाँ,
गुजरात के पास, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में था मरुस्थल का, ठीक। ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ दक्खन का पठार हो गया है, ये आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हो गई, ठीक है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, काराकुरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, ये आपकी हिमालय हो गई, सिंधु नदी से लेकर यहाँ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है, ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग पूर्व में ये चौड़ाई इसकी अधिक है, और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ती है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। सिंधु, झेलम, रावी, सतलज नदी हो गई है, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी मेन गंगा नदी है, इसमें कोसी नदी मिल गई, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, यमुना, चंबल, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में हो गई, गोदावरी, केसा, कृष्णा नदी, लेकिन याद रखिए माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ये आपकी गुजरात के कच्छ यानी कि अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तीन नदी नाम नाम कौन सा याद रखना है, माही नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये आपकी विंध्यसैनी हो गई, ये आपका मालवा का पठार हो गया। नर्मदा जो आपकी नदी है ये विंध्यसैनी और सतपुड़ा सैनी के बीच बहती है, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये था भूरा आपका भारत का भौतिक स्वरूप। इससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट देख लें, और इस पीडीएफ को आपका टेलीग्राम पर डाल दिया गया, वहां से डाउनलोड करके रख लें आप लोग। क्या रहेगा कि आपको कभी अगर टाइम मिलता है तो सुविधा रहेगा, पढ़ते रहें। चलिए तो अगले तीसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे अपवाय के बारे में, अपवाय।